अच्छा, अब हमने देखने एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमें देखने में किस तरह नज़र आ रहा है। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऊपर ऊपर वाले इसके जो फीचर्स हैं ना वो देखेंगे। सबसे पहले ये हार्ट जो एनाटॉमिकल पोजीशन में पड़ा होता है वो इस साइड पे है, कि ये जो इसका प्रोमिनेंट सा है ना पोर्शन, ये इसकी लेफ्ट साइड होती है। और मोर जो इसकी अगर हम प्रोमिनेंटली बात करें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब हार्ट के अंदर एक एपेक्स होती है और इसकी एक बेस होती है। जो एपेक्स है वो ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है प्रीडोमिनेंटली, ये बना रहा है। और ये एपेक्स जो है ना, ये बेस जो इसकी, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड पोर्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके अंदर हार्ट का जो जनरल फीचर है, हमें पता है दो आर्टरी होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो बल्कि पोर्शन इस साइड के ऊपर है ना, ये इसका ये वाला जो पोर्शन, ये वाला वेंट्रिकल, ये इस तरह देखें, ये जो पोर्शन है ना, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे पीछे इसका होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। अच्छा। और अगर हम सामने देखेंगे तो यहाँ पर होता है राइट आर्ट्रियम और यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये है राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे दो एक्सटर्नल जो ओरिकल होते हैं ना, वो ये होते हैं, एक ये होता है राइट ओरिकल और ये होता है लेफ्ट ओरिकल। अच्छा, अब राइट ओरिकल की एक स्पेसिफिक फीचर जो है ना, वो ये है कि राइट ओरिकल के पोस्टीरियर साइड के ऊपर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे ये दो होल ओपनिंग्स हैं, ये देखें, एक ये नीचे वाली साइड से है ये वाली, और एक इस तरह सुपीरियरली ऊपर से है ये वाली जो ओपनिंग है, यहाँ से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा ने हार्ट के अंदर एंटर होना है, क्योंकि राइट साइड है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ कंसर्न है, तो यहाँ पे वेना कैवा होते हैं। और इस तरह अगर हमारे लेफ्ट ओरिकल के ऊपर, तो जो लेफ्ट ओरिकल है इसका फीचर ये होगा कि यहाँ पर जो चार पल्मोनरी वेन्स है ना, उन्होंने एंटर होना है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड आता है ना हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इस तरह ऑब्लीकली ये स्ट्रक्चर रन कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग है ये वाली, तो ये पल्मोनरी ट्रंक है। और उसके ऊपर ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये एओर्टा है। अब इसका एओर्टा कट हुआ हुआ है, तो अगर वैसे अगर एओर्टा होता है तो फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग इसके दोनों पोर्शन होते हैं। और बाकी हमने देख लिया इसकी जो लेफ्ट, अगर हम इसकी बात करें तो लेफ्ट वॉल जो है वो इसका प्रीडोमिनेंटली इसका लेफ्ट वाला जो है ना वेंट्रिकल वो बना रहा होता है। जो राइट वॉल है उसके अंदर उसका राइट वेंट्रिकल बना रहा होता है। एक इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है जो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। तो ये एक्सटर्नल फीचर थे हार्ट के। और यहाँ पर एक और फीचर है कि यहाँ पर जहाँ पर ये दो जो है ना ग्रूव्स बने हुए हैं ना, इनके बिल्कुल एक पास ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है, यहाँ पर होता है सल्कस टर्मिनाई।